हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेम याद करने की ट्रिक बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे तरंगों के नेम बताऊंगा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के नेम याद करने की ट्रिक है गाय, पादरी, अल्दी। ये थ्री वर्ड्स हैं, गाय, पादरी, अल्दी। इन तीनों वर्ड्स को याद रख के आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को इस हिसाब से बनाया गया है कि ये तरंगों के वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के अनुसार और फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम के अनुसार हैं। किसके? वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के अनुसार और फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम के अनुसार हैं। तो पहला है गा, गा से हो जाएगा गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें आगे देख रहे हैं जैसा कि आप। ए से एक्स, एक्स किरणें हो जाएंगी, सामने देख रहे हैं आप एक्स किरणें। उसके बाद पादरी, पादरी में से पा अलग है, पादरी में पा अलग है, पा से हो जाएंगी पराबैंगनी किरणें, जिनको इंग्लिश बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद दरी, दरी से क्या हो जाएगा? दृश्य किरणें, दृश्य किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल रेज, ठीक है। आगे देखिए लिखा है विजुअल रेज, दृश्य किरणें अर्थात विजुअल रेज। उसके बाद है अ, अ से होंगी अवरक्त तरंगें, अवरक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। उसके बाद ल, ल से हो जाएंगी लघु रेडियो तरंगें, लघु रेडियो तरंगों को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स हो गई। उसके बाद डी आ रहा है, डी से दीर्घ तरंगें, दीर्घ तरंगों को या दीर्घ रेडियो तरंगें, दीर्घ रेडियो तरंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियो वेव्स, ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंगों को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो वेव्स। तो ये रेडियो वेव्स, तो कौन कौन सी तरंगें हो गई? गा, गा से गामा रेज, गामा तरंगें, ए से एक्स रेज, पा से पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद दरी, दरी से दृश्य तरंगें विजुअल रेज, अ से अवरक्त तरंगें, अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगें होते हैं इन्फ्रारेड रेज, ल से लघु रेडियो तरंगें माइक्रोवेव्स, और डी से दीर्घ तरंगें, दीर्घ रेडियो वेव्स या फिर रेडियो वेव्स, ये हो गए। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, बट एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कन्फ्यूज होते हैं और गलत टिक करके आते हैं। जैसे देख लेते हैं कैथोड रेज, कैथोड रेज विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। उसके बाद कैनॉल रेज, कैनॉल रेज भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। फिर अल्फा, अल्फा रेज भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। बीटा रेज देख लीजिए, बीटा रेज भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। उसके बाद ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों को भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हम नहीं बोलते हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। परास्रव्य तरंगे, परास्रव्य तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कैथोड रेज, कैनॉल रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और ध्वनि तरंगें और परास्रव्य तरंगें, ये जो तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के नेम याद करने की ट्रिक ये, हमेशा आप याद रखिएगा। ओके।